कि आखिर महिला किन्नर या पुरुष किन्नर की पहचान कैसे होती है, उनका जीवन कैसा होता है और वो लोग पारिवारिक सुख ले पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको किन्नर से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक बिना जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन्नर को हिजड़ा और ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी गिनती न तो आदमी में होती है न महिला में होती है। कई लोग इन्हें अपमान स्वरूप बीच का आदमी भी कहते हैं। इनके हाव भाव आदमियों जैसे भी होते हैं और महिलाओं जैसे भी होते हैं। कई किन्नर ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी के सभी अंग आदमी वाले होते हैं परंतु उनकी चाल ढाल महिलाओं जैसी होती है। वहीं कई किन्नर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल महिलाओं की तरह दिखाई देते हैं परंतु उनके पास महिलाओं वाले अंग नहीं होते। आपको जितने भी किन्नर दिखाई देते हैं उनमें से अधिकतर की आवाज पुरुषों जैसी होती है परंतु ये महिलाओं के जैसा सिंगार करते हैं और अक्सर ये लोगों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि इन्हें जल्दी कोई नौकरी पर नहीं रखता और यही वजह है कि अपना पेट पालने के लिए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर सार्वजनिक जगह पर लोगों से पैसे मांगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले किन्नरों की जनसंख्या की बात करें तो भारत देश में ही लगभग 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर रहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि किन्नर समुदाय समाज से अलग ही रहता है, इसी कारण आम लोगों में उनके जीवन और रहन सहन को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। दोस्तों, माँ बनना किसी भी लड़के के लिए भाग्य की बात होती है बल्कि परंतु कभी कभी ये उस समय उनके लिए माँ बनना समस्या पैदा कर देता है जब उन्हें ये पता चलता है कि जो संतान उनके पेट से पैदा हुई है वो ना तो लड़का है और ना ही लड़की बल्कि वो किन्नर है। दरअसल जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चा कंसीव करने के 3 महीने बाद धीरे धीरे उसका विकास होना चालू हो जाता है। अगर उसी दरमियान प्रेग्नेंट महिला को कोई बीमारी हो जाती है या फिर उसे अन्य कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिससे उसकी बच्चेदानी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो इसके कारण उसके बच्चे के लिंग पर इफेक्ट पड़ता है और इसी कारण कभी कभी पैदा हुए बच्चे में महिला और पुरुष दोनों के लक्षण आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से किन्नर पैदा होते हैं। कई बार तो किन्नर दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी पैदा हो जाते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी की अवस्था में काफी सोच विचार कर और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। जैसे ही किन्नरों को ये पता चलता है कि किसी के घर में कोई किन्नर पैदा हुआ है या फिर कोई किन्नर पहले से ही रह रहा है तो किन्नर उसे अपनी बिरादरी में जबरदस्ती शामिल कर लेते हैं, फिर चाहे उसके घर वाले उसे रोकने का कितना भी प्रयास क्यों न कर ले। आपको बता दें कि ऐसे किन्नर जो पैदाइशी किन्नर होते हैं, अगर आप उनके स्तनों को देखेंगे तो वो ज्यादा बड़े नहीं होते और जिन्हें बाद में किन्नर बनाया जाता है उन्हें इंजेक्शंस दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है जिन्हें किन्नर बनाया जाता है उनके स्तन आकार में मोटे होते हैं। इसके अलावा जो पैदाइशी किन्नर होते हैं उनकी योनि पर किसी भी प्रकार के कटने का कोई भी निशान नहीं होता परंतु जिसे किन्नर बनाया जाता है उसकी योनि पर कट का निशान होता है। किन्नर की पहचान करने के लिए आप उसकी आवाज को देख सकते हैं। अगर किसी ने महिला जैसा सिंगार किया है तो परंतु उसकी आवाज पुरुषों जैसी है तो निश्चित ही वो किन्नर है। इसके अलावा अगर वो ताली पीट पीट कर लोगों से पैसे मांगती है तो ये भी इस बात की गवाही देता है कि वो किन्नर है। अगर कोई पुरुष किन्नर होता है तो उसके लिंग में जरा सा भी तनाव नहीं आता। दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि टोटल 46 क्रोमोसोम नंबर मानव जाति का है। इन 46 में से 2 सेक्स वाले क्रोमोसोम होते हैं और बाकी ऑटोड्रॉम वाले। यही जो सेक्स वाले क्रोमोसोम होते हैं यही इस बात का निर्धारण करते हैं कि लड़का पैदा होगा या फिर लड़की। अथवा किन्नर अगर XY क्रोमोसोम होता है तो उसे पुरुष कहा जाता है और अगर XX होता है तो उसे महिला कहा जाता है। इसके अलावा XX, YY या OX क्रोमोसोम जिस मनुष्य के अंदर होता है उसे हिजड़ा या किन्नर कहा जाता है। जो महिला के पेट में बच्चा होता है तो कभी कभी कुछ ऐसी वजह बन जाती है जिसके कारण क्रोमोसोम के नंबर में काफी बदलाव हो जाते हैं और यही वजह है कि जो संतान पैदा होती है वो किन्नर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब हमारे देश में लगातार किन्नरों के पैदा होने की संख्या कम हो रही है। इसके पीछे वजह ये है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए और मेडिकल साइंस के जरिए ये पता कर लिया जाता है कि पेट में जो बच्चा पल रहा है लड़का है या लड़की या फिर किन्नर, और जैसे ही ये पता चलता है कि पेट में पलने वाला बच्चा किन्नर है तो उसे पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। वास्तव में दोस्तों, इसके बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप किसी किन्नर से उसके जननांगों को दिखाने के लिए कहेंगे। फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार जो किन्नर होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट का ढंग से विकास नहीं हुआ होता है और जब किसी किन्नर के पास अंडकोश होता है परंतु उसका लिंग सही से नहीं होता। वहीं कई किन्नर ऐसे हैं जिसके पास योनि तो होती है पर वो किसी काम की नहीं होती। उनकी योनि में सिर्फ एक छेद होता है जहाँ से वो पेशाब कर सकती है। कई किन्नरों के स्तन काफी छोटे होते हैं। वहीं कई किन्नर
किन्नरों के लिंक काफी बड़े। दोस्तों, किन्नरों को आपने ताली बजाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि ये लोग यूं ही ताली नहीं बजाते, हर ताली की होती है कुछ खास वजह। दोस्तों, किन्नरों की ताली सिर्फ ताली नहीं बल्कि उनकी जिंदगी होती है। किन्नरों का दावा है कि जिस तरह उनके समुदाय वाले ताली बजाते हैं, वैसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बजाता। मतलब नॉर्मल आदमी ऐसे ताली नहीं बजाते। यही वजह है कि किन्नरों को ताली बहुत खास होती है, जिसके कई मायने भी होते हैं। इस ताली के जरिए किन्नर समुदाय के लोग ये पहचान जाते हैं कि कौन उसकी बिरादरी का है और कौन नहीं। अमूमन किन्नरों को आप साड़ी या सूट में देखते हैं, लेकिन जो किन्नर पैंट सूट में होते हैं, वो अपनी पहचान छुपाकर एक ताली के जरिए दूसरे किन्नर को अपने होने का सबूत देते हैं। मतलब इनकी ताली किन्नर होने का पहचान है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किन्नर खास मौके पर ही ताली बजाते हैं, वो सुख और दुख या फिर लड़ाई झगड़े के दौरान भी ताली बजाते हैं। किन्नरों के मुताबिक वो अपनी ताली का इस्तेमाल हर मौके पर करते हैं। अगर किन्नर किसी को देखकर ताली बजा रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होगा। दरअसल किन्नरों की ताली दूसरों के लिए आशीर्वाद के साथ साथ उनकी मौजूदगी का सबूत भी है। दोस्तों, आम आदमी की तरह किन्नर का भी विवाह होता है, लेकिन किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उनके देवता, जिसे इरावण या रावण के नाम से भी जाना जाता है। रावण को किन्नरों का देवता माना जाता है। किन्नरों की शादी की सबसे खास बात है कि इनकी शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। मान्यता है कि शादी के दूसरे दिन किन्नरों के देवताओं की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। किन्नरों को लेकर ये भी मान्यता है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी की छाया से हुआ है। वही दूसरी मान्यता ये है कि किन्नरों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि से हुई है। जब भी इनके समुदाय में कोई नया सदस्य जुड़ता है, तो उसके स्वागत में किन्नर समुदाय खूब नाच गाना करते हैं। तमिलनाडु में इरावण देवता कहीं मंदिर है, लेकिन सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कुमकुम गांव में है, जिसे श्री कुदान दावर मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इरावण देवता अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। दोस्तों, किन्नरों के अंतिम संस्कार को गैर केंद्रों से छुपाकर किया जाता है। इसकी मान्यताओं के अनुसार अगर किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम इंसान देख ले, तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म के कई रीति बाजों को मानते हैं, लेकिन इनकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता, इनकी बॉडी को दफनाया जाता है। अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। कहा जाता है कि उसके जन्म के किए गए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अपने समुदाय में किसी की मौत होने के बाद किन्नर अगले एक हफ्ते तक खाना नहीं खाते। साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किन्नर समाज अपने किसी सदस्य के साथ मौत के बाद मातम नहीं मनाते। इसके पीछे ये माना जाता है कि मौत के बाद किन्नर को नर्क रूपी जीवन से मुक्ति मिल जाती है। मौत के बाद किन्नर समुदाय खुशियां मनाता है और अपने आराध्य देव रावण से मांगते हैं कि अगले जन्म में मरने वाले को किन्नर न बना। इतना ही नहीं, ये लोग जो पैसा कमाते हैं, वो उसे दान पुण्य भी करते हैं, ताकि उन्हें फिर ऐसा जन्म ना मिले। दोस्तों, जिस तरह भगवान ने इस धरती पर स्त्री और पुरुष बनाए, उसी तरह हम लोग जैसे ही एक और रचना है, जो ना तो स्त्री और ना ही पुरुष वर्ग में आते हैं, जिससे हमारे समाज में किन्नर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हमारे समाज में अभी तक स्त्री के अधिकार और उसके अस्तित्व को लेकर लड़ाई जारी है, तो ऐसे समाज में किन्नर को एक मानव होने के अधिकार और सम्मान पूर्वक जगह देने की बात करना बेईमानी होगी। समुदाय के जो गुरु होते हैं, वो भी मुस्लिम ही होते हैं। किन्नरों का उल्लेख हमारे इतिहास में भी है, जिसे एक किन्नर का जंग लड़ने का भी इतिहास है, जिसका नाम मलिका कपूर था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड, कॉमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।